हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों को सबसे पहले बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल और आप लोगों को वेलकम टू दिस चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल पर भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और यदि आप बिल्कुल नए हैं और यदि आप पहले विजिट कर चुके हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। और नए स्टूडेंट्स के लिए, नए जो भी सब्सक्राइबर है, नए जो भी विजिटर है, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चलो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री पर बेस होगा। मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री लिख रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और जी ऐसा रोल भी अदा करता है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से अफेयर उनको होता है कि इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है, उनको याद करना उनको लिए डिफिकल्ट होता। तो मैं आज आपके लिए कुछ हेल्प करने वाला हूँ उनको याद करने में। तो मैं आज आपको याद करने के लिए नहीं बताने वाला हूँ, आप उनको क्रिएट कर सकते हो। आपको यदि आपने आइडेंटिटी को याद किया होगा तो हो सकता है कि आप एग्जाम में बैठे हो और वो आपको भूल जाए। अब आपने याद किया तो वो भूल के तो आप कैसे उसको रिटेन कर सकते, नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आप आइडेंटिटी भूल भी जाते तो लेकिन आपके पास 4 या 5 मिनट है तो आप उन आइडेंटिटीज को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल आइडेंटिटी जो आपने याद की, जो आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं आपको 4 आइडेंटिटी बताने वाला हूँ, उनकी हेल्प के साथ हम फर्दर आइडेंटिटीज को फाइंड करेंगे। और आपको यदि मैथमेटिकल तभी आप इस वीडियो को देखना या फिर और किसी पर्पज के लिए, यदि आपको पूरा इंटरेस्ट है तो प्लीज इसको बिना स्किप कीजिए, एंड तक देखना मेरे साथ ताकि आपको आने वाले जी में कुछ ना कुछ जो ट्रिक मिलेगा यदि आप इसको देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले जो कॉमन आइडेंटिटीज है वो 4 है जो आपको सिंपल आती होगी, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो स्टार्ट करते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, आप सभी को मालूम होगा। तो मैं यहाँ पर साइड पर लिखने वाला हूँ 4 आइडेंटिटी जो हमें आती है। तो हमें मालूम है साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है। दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ बी प्लस कॉज ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड क्या हमारे पास, साइन ऑफ ए माइनस ऑफ बी, वो क्या है, साइन ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ बी माइनस कॉज ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। थर्ड वन आइडेंटिटी इज व्हाट, कॉज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉज ए cos of b, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा, जे प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस आएगा तो माइनस, एक बार साइन एक बार cos, और नेक्स्ट एंगल उनके शिफ्ट कर देंगे, रोटेट कर देंगे। जहां पर क्या cos के केस में करते हैं, यहाँ प्लस है तो जहां पर पास हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, साइन ऑफ ए इंटू हमारे पास साइन ऑफ बी आ गया। और नेक्स्ट जो होगा फॉर्मूला होगा आइडेंटिटी साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, cos ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ बी, यहाँ पर कॉज के साथ ही माइनस बी तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा, साइन ऑफ हमारे पास कहेगा साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ये 4 एक ऐसी आइडेंटिटी जो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मैं आपको जस्ट आपको सारी की सारी आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये 4 को फोकस करना। यदि आपने 4 याद कर ली तो हम देखिए आगे कैसे क्या करते हैं। तो हमने साइन की कर ली, कॉस की कर ली, अब किसकी टर्न आती है, टेन की आती है। तो मेरे को टेन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं एग्जाम में। तो अब आपको बता दूं टेन को हम कैसे याद करना, आपको इतना तो मालूम होगा कि टेन क्या होता है, टेन होता है साइन ओवर कॉस। हमें यदि मालूम है, यदि हमें मालूम है तो हम टेन क्या करते हैं, मैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए टेन प्लस बी की जो आइडेंटिटी, आपके काफी स्टूडेंट को हमें से मालूम हो कि इसका आंसर क्या है, लेकिन वो आपको याद किया हो, लेकिन मैं आपको इस दोनों की हेल्प के साथ इसको हम कैसे फाइंड कर सकते वो बताने वाला हूँ, इसको इसलिए आपको देखना होगा। ओके डन, अब हमने फाइंड करना साइन ऑफ ए प्लस बी, लेकिन हमें मालूम है कि जो साइन होता है टेन होता है वो किसकी इक्वल होता है, हमें सभी को मालूम है टेन होता है साइन ओवर कॉस की रेशियो के बराबर होता है। दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी ओवर कॉस ऑफ ए प्लस बी। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमें इन चारों की हेल्प लेनी है। तो यहां पर साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ ए इसका फॉर्मूला आ गया कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। और नीचे हमारे पास क्या है, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी होगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, टेन का आंसर। तो हमारे पास एक आपको मालूम है कि टेन का जो आंसर होता है टेन प्लस बी वो टेन में आता है। अब इस पूरी फॉर्मेट को हमने टेन में ट्रांसफर करना, और टेन में हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यदि हम साइन को कॉस के साथ डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए जो हमारी फर्स्ट पार्ट है, साइन को मैंने साइन को कॉस के साथ डिवाइड किया तो इसका टेन ही बचेगा, लेकिन साथ में कॉस भी आ रहा है तो हमें इनको एलिमिनेट करना है। हमने पूरी की पूरी जो
पार्ट है अलग अलग, उनको सबको टैन में ट्रांसफर करने की कोशिश करनी है। तो जहां पर यदि मैं कॉस ए के साथ डिवाइड करता हूं तो कॉस बी बच जाएगा, लेकिन यदि मैं कॉस ए और कॉस बी के साथ डिवाइड कर हम कर देते हैं तो हमारे पास यहां पर तो टैन ही आ जाएगा और यहां से ये खत्म हो जाएगा। और सिमिलरली यहां पर कॉस ए होगा और हमने कॉस ए से डिवाइड किया वो कट गया, और हमारे पास साइन ओवर कॉस ए बी क्या बच जाएगा, वो हमारा टैन है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, आपको जस्ट क्या करना है, डिवाइडिंग करनी है, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करना है। किसके साथ करना है, माई, हमारे पास कैसे होगा, साइन को हमने कॉस के साथ करना, तो आपने दोनों के साथ करना है, कॉस ए कॉस बी के साथ डिवाइड कर देना। तो अब जब हमारे पास पहली टर्म क्या आएगी, तो मैं आपको सारा पूरा लिख करता था, तो हमारे पास साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, चार पार्ट है हमारे पास, जहां पर क्या है कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी और डिवाइडेड बाई cos of a into cos of b whole fraction, और जहां पर हमारे पास क्या आएगा cos a cos of b divided by cos of a into cos of b, और माइनस क्या है हमारे पास sin of a into sin of b divided by cos of a into cos of b। अब नोट करते हैं जो फाइनल आंसर है, बेटा यहां से देखिए आपके पास cos b है और cos b के साथ cos b कट गया तो बचा क्या sin a over cos a, वो क्या होता है हमारे पास tan of a होता है, वो हमारे पास क्या होता है tan of a। यहां पर क्या आ गया प्लस का sin आ गया प्लस का sin, तो हमारे पास cos a के साथ cos a कट गया तो बचा क्या sin b over cos b, that is nothing but our tan of b divided by, जहां पर देखिए cos a के साथ cos a कैंसिल हो गया cos b के साथ cos b, जहां पर 1 के साथ ये कैंसिल हो गया 1 के साथ ये कैंसिल हो गया, सो 1 into 1 1 आ गया माइनस, जहां पर देखिए sin a over cos a क्या होगा, होगा हमारे पास tan of a होगा, और sin b over cos b क्या होगा हमारे पास tan of b होगा। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारा tan of a plus b का फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी जनरेट किया, वो बहुत सिंपल था, काफी सिंपल था। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को यदि आप ज्यादा नहीं रख सकते तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो, हमें मेरे को लगता है हमारे पास क्या होगा कम से कम हमने एक या दो मिनट, आप दो मिनट के साथ भी यदि आपको एग्जाम में भूल जाते तो आपके 5 मार्क्स गए, यदि आपको 2 मिनट आप लगा कर इसको जनरेट कर सकते तो दैट्स अ वेरी गुड फॉर यू, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। तो अब हमने tan a plus b का किया, तो सेम लाइन पर आप क्या कर सकते हैं बेटा tan a minus b का, तो मैं उसको आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूं, हमने क्या करना है tan of a minus b का, तो उसके लिए एक पार्ट करेंगे बाकी आप उसको सिमिलर इसके साथ मैच कराना, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, तो जस्ट हमारे पास क्या होगा sin of a minus b divided by cos of a minus b होगा। तो मैं आपको जहां से बताने वाला हूं, तो जहां पर आपके पास सारा फॉर्मूला जो भी इसका है वो सेम हो जाएगा, जहां पर माइनस का साइन आ जाएगा बिकॉज साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस में जाता है, और जो कॉस का जो ए माइनस बी है उसमें हमारे पास प्लस, तो सारे का सारा हमारा रिपीट होगा, जहां पर माइनस आ जाएगा जहां पर प्लस आ जाएगा, जहां पर माइनस जहां पर प्लस आ जाएगा, जहां पर माइनस और प्लस, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा टेन ऑफ ए माइनस बी को यदि हम इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास टेन ऑफ ए, तो जहां पर हमारा फॉर्मूला क्या आएगा टेन ऑफ ए माइनस टेन ऑफ बी, और नीचे हमारे पास जहां पर क्या है माइनस का साइन वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, हमारे पास वन प्लस tan of a into tan of b हो जाएगा। तो ऐसे हमने आज का जो एक फर्स्ट फॉर्मूला हमने किया, चार आइडेंटिटी की हेल्प के साथ हमने दो आइडेंटिटीज और फाइंड कर ली जो tan a plus b की होती है और tan a minus b की होती है। तो आपको यदि अच्छा लगा तो प्लीज आप थम्स अप जरूर करना वीडियो में, और यदि आपको कुछ सजेशन चाहिए तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको कुछ और डिमांड वो लिख सकते हो, और आप इसको पॉज करके साथ में नोट कर सकते हो। तो अब आप सेकंड करने वाले हैं, तो आज का जो सेकंड फॉर्मूला उसको करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का जो सेकंड फॉर्मूला है जो हमारी वैसे थर्ड आइडेंटिटी हमें फाइंड करनी है, cot a plus b is equal to word, ये एक ऐसी आइडेंटिटी है जो मेरे को कभी याद नहीं रहती, मैं आपसे इसको भूल जाता बिकॉज वो कम यूज होती है, हमारी जो एग्जाम्पल होती है उनमें कम होती है, लेकिन कभी यदि हमारे पास इसके साथ हमारा सामना हो जाएगा तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होने वाली है, तो इसलिए इसको भी हम ऐसे अजमेर कर लेते हैं। तो इसको फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, तो इसके हेल्प के साथ हमने फाइंड करना, तो आप जरा थोड़ा सा ध्यान देना इस पर हम कैसे कर सकते हैं। सो cot ऑफ a प्लस b हमारे पास क्या होता है, ये जो cot होता है वो tan का रेसिप्रोकल, तो सारे की सारी आइडेंटिटी वैसे ही चलेगी, जस्ट यहाँ पर tan का रेसिप्रोकल हो गया तो वो क्या होगा हमारे पास cos ओवर sin का रेसिप्रोकल, ऐसे हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस बी, और इन दोनों के फॉर्मूले हमको मालूम है, तो cos a plus b का फॉर्मूला आएगा हमारे पास cos a यहाँ पर cos of b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b आ जाएगा, और नीचे साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन a इंटू cos of b प्लस हमारे पास cos of a
इंटू साइन ऑफ बी आ जाएगा। अब बेटा क्या है, जो टैन का फॉर्मूला था वो सारे का सारा टैन में क्या था, तो जो कॉट का फॉर्मूला उसका जो आंसर था वो कॉट में होगा। अब कॉट में हम कैसे कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर बहुत सारे कॉस भी है साइन भी है, लेकिन हमें कॉट में जाना तो हमें कॉस को साइन के साथ डिवाइड करना होगा तभी वो उसमें जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो कॉस है तो दोनों को हम टैन में यदि कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मेरे को किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए के साथ, और इसको किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, साइन बी के साथ। तो जहां पर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने किसके साथ इसको डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी के साथ हमने इसको डिवाइड करना। तो डिवाइड करते हैं बेटा, तो अब इसको मैं लिखने वाला हूं, जब ना लिखूं आपको तो काफी हद तक आपको समझ तो गए होंगे। तो हमने क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करते हैं, तो जब इस मैंने इसको किया तो लिख देता हूं आपके लिए कॉज ए इंटू कॉज ऑफ बी। कई स्टूडेंट्स होंगे, काफी स्टूडेंट्स जिनको ये चीज नहीं आती तो उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, और यदि बाकी को आती है तो वो जस्ट उसको देख सकते हैं। तो साइन ए साइन कॉस बी को मैंने डिवाइड किया है साइन ऑफ ए इंटू हम डिवाइड करते हैं साइन ऑफ बी, और जहां पर हमारे पास माइनस का साइन है साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। वो फ्रैक्शन हमारे पास जी है, तो नीचे क्या है हमारे पास साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी ओवर, और इसको मैंने डिवाइड किया है साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी के साथ, जहां पर प्लस का साइन है हमारे पास क्या है कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए इंटू मेरे पास क्या है साइन ऑफ बी। तो इसको देखते हैं कटिंग करके क्या हमारे पास आता है, जहां पर कॉस ए ओवर साइन बी क्या होता है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट कॉट ऑफ ए होगा, और कॉस बी ओवर साइन बी क्या होगा जी हमारे पास कॉट ऑफ बी होगा माइनस। जहां पर ध्यान देखिए साइन के साथ साइन वन पर कैंसिल हुआ, कॉस साइन बी है साइन को वन पर कैंसिल हुआ, जहां पर होल हमारे पास वन आ गया। और नीचे क्या हो रहा है, यहां पर देखिए साइन ए के साथ साइन ए कट गया तो हमारे पास कॉस बी ओवर साइन बी नथिंग बट हमारे पास कॉट ऑफ बी आएगा, और जहां पर प्लस का साइन है और जहां से आप ध्यान देना तो आपके पास साइन बी के साथ साइन बी कट जाएगा, और जहां से आपके पास क्या आएगा कॉस ओवर साइन क्या आएगा हमारे पास कॉट ऑफ बी आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, तो हमारा क्या था, ये हमारा कॉट ऑफ ए प्लस बी का आंसर था। तो ऐसी बच्चे हमने फाइंड किया, और आप एक जहां पर नोटिस करना होगा कि जैसे मैंने टैन को किया था वो साइन ओवर कॉस था, और उसका जो हमारे अटेंटी लगाने के बाद हमने डिवाइड किया था बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, क्योंकि हमने टैन में जाना तो आपको क्या होगा साइन तो वहां पर होगा, तो आप उसको कॉस ए कॉस बी के साथ डिवाइड करेंगे। और इसमें क्या है, हमने इसमें क्या करना है, इसमें कॉट को हमें में जाना है तो हमारे पास कॉस को साइन के साथ कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर दोनों को हटाने के लिए आपको साइन ए साइन बी के साथ कन्वर्ट करने में कमी जाएगा। तो दोनों के फर्क क्या था, इतना का फर्क था कि जस्ट पहले वाले को आपको कॉस ए कॉस बी के साथ डिवाइड करना, और इस वाले को आपने किसके साथ डिवाइड करना साइन ए साइन बी के साथ, लेकिन डिवाइड आपको ऐसे नहीं करना, आपको एक हल्की सी स्माइल के साथ डिवाइड करना होगा। तो इसको बोलेंगे यदि आप किसी को काट रहे हैं, जहां पर आप इसको काट रहे हैं तो That is, बड़ा पेनफुल मोमेंट है इसको, आप इसको स्माइल के साथ काटे, जैसे हल्के से प्यार के साथ काटेंगे तो इसको बुरा नहीं लगेगा और इसको पेन भी नहीं होने वाली, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट मैं आपके लिए होमवर्क में डालने वाला हूँ, तो आप होमवर्क में क्या करेंगे, आप होमवर्क में इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी का फॉर्मूला आप खुद घर जाकर अपने, आप तो घर पर ही होंगे, सॉरी आप तो घर पर है, तो आप इसको कॉट ए माइनस बी को जनरेट करके देखना है इस पर इसका आंसर क्या आता है, और आप इसको बुक के साथ मैच भी कर सकते हो। मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, सॉरी यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर कॉट ए प्लस बी, तो आप इसको अपने आप ट्राई करना, सेम स्टेप कर करना, आपको मालूम है कि जहां पर माइनस आएगा जहां पर माइनस आएगा जहां पर माइनस आएगा जहां पर माइनस आने के कारण यहाँ पर प्लस आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर तो सेम ही होने वाला है जहां पर प्लस माइनस की रेसिप्रोकल होगी। तो आज हमने क्या किया, अभी थोड़े से टाइम में हमने चार और पांच मिनट की जो वीडियो या छह मिनट की वीडियो चली होगी, तो जिसमें हमने क्या किया इन चारों की हल के साथ टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी को फाइंड कर दिया, तो ये तो काफी अच्छा हो गया। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या करते हैं, आपने कभी सुना है साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ए प्लस बी का आता है लेकिन आपको साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नहीं आता, तो वो मैं आपको एक बताने वाला हूँ, उसके हेल्प से काफी इजी होगा। ओके, सो नेक्स्ट मैं जो आपके साथ प्रॉमिस किया था वो था मेरे पास साइन ऑफ ट्रिपल फॉर्मूला,
ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला हम कैसे कर सकते हैं, ये काफी सिंपल आपको देखते ही समझ में आ जाएगा क्या करने वाले हम यहाँ पर। आपको साइन ए प्लस बी का होता है लेकिन यूज मैंने इसी का करना, तो इसका यूज कैसे करेंगे, तो मान लीजिए आपके पास ये एक सिंगल फंक्शन है और ये आपके पास एक फंक्शन है, तो इसको हमने वन मान लिया, इसको हमने टू, तो जहां पर हमारे पास कह रहे हैं साइन ऑफ वन, ए को वन मान लीजिए इसको टू मान लीजिए, तो क्या है साइन ऑफ वन कॉज ऑफ टू प्लस कॉज ऑफ वन साइन ऑफ टू, तो उसकी हेल्प के साथ हमारे पास क्या आएगा, क्या है हमारे पास, यदि मैं इसको वन मानू और इसको टू मानू, तो मेरे पास यहाँ पर वन आ गया, यहाँ पर टू आ गया, यहाँ पर वन आ गया, यहाँ पर टू, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, देखिए साइन ऑफ वन मीन ए प्लस बी इन टू क्या हमारे पास कॉज ऑफ टू मतलब सी आ गया मीन्स प्लस नेक्स्ट है कॉस ऑफ वन में ए प्लस बी और इन टू मेरे पास साइन ऑफ टू आ जाएगा दैट इज सी। अब आपको मालूम है साइन ऑफ ए प्लस बी है, तो वह फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए फिर से, तो इसको ब्रैकेट में डाल लेना, साइन ऑफ ए प्लस बी मीन साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी इन टू कॉस ऑफ सी प्लस, ऐसे आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना कॉस ऑफ ए प्लस बी का, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ ए cos of b minus sin of a into sin of b into sin of c, वैसे ओपन कर दिया। अब आपके पास ये ब्रैकेट है इनको ओपन कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ये हमारे पास क्या आएगा sin of a into cos of b और जहां cos of b sorry into cos of c प्लस जहां पर हमारे पास क्या है cos of a sin of b into cos of c प्लस यहां पर हमारे पास क्या है साइन कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी और साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी और साइन ऑफ बी, तो जी हमारे पास किसका फॉर्मूला है ऐसा फॉर्मूला, तो जो कि ऐसे कैंडी है जिसको मैं तो भाई याद नहीं रख सकता, वैसे आप कर सकते हो, तो जो आपकी हिम्मत है आपके पास काफी है, आपके पास पावर होगी यदि आप इसको याद कर सकते हो, मैं तो जस्ट इसको क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे पास एग्जाम में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, तो मैं जस्ट इसकी हेल्प के साथ इसको क्रिएट कर सकता हूँ विद इन वन मिनट, लेकिन याद करना काफी मुश्किल है मेरे लिए, यदि आप कर सकते हो तो काफी अच्छा है। तो आपके लिए फॉर्मूला की आपके लिए एक होमवर्क है, वो क्या आपने कॉज ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला करना, तो आप क्या करेंगे कॉस ए प्लस बी इंटू आप क्या करना है कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है इसको वन और टू के साथ, तो आपको ऐसे कॉस ए प्लस बी का फाइंड करना है, आप ऐसे टेन का भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, यदि आप टेन का कर सकते हो ठीक है, यदि नहीं करते हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन जो आज का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है सी डी फॉर्मूले, हम सी डी फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको भूल जाते हैं, तो करते हैं स्टार्ट हाउ वी कैन फाइंड सी डी फॉर्मूले विद द हेल्प ऑफ दीज ए प्लस बी फॉर्मूले, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मूले जो थे मेरे लिए, भाई आपके लिए नहीं हो सकते लेकिन मेरे को लगता है वो एक ऐसे फॉर्मूले जो मैं भूल जाता हूँ अक्सर, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उनको मैं जनरेट करने वाला हूँ चार फॉर्मूलों की हेल्प के साथ, मैं आपको दो करके बता सकता हूँ एक करता, तो बाकी आपका होमवर्क होगा, बिकॉज आप होमवर्क करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, आपको मैंने सारे कर दिए, आप ऐसे देख कर आगे बढ़ जाएंगे जैसे कि हम आज तक आप यहाँ पर आए हैं, आगे बढ़ते हैं, हम जस्ट देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं लेकिन माइंड नहीं चलाते उस पर, कि एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि चीजों को पता करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूले मेरे को क्यों लगा कि आज इसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगा कि साइन सी प्लस डी को क्यों यार हम याद क्यों करें, वो बनते कैसे हैं उनको, जब मैं याद भूल जाता ना तो माइंड पर आता है कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, और आपको भी एक माइंड क्वेश्चन मार्क करना चाहिए कि यार इसके पीछे रीजन क्या है, ये सी डी फॉर्मूला कहीं ना कहीं से बना हुआ, आप उसको देख लीजिए, यदि मेरे को वो आ जाता तो मेरे को याद करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही हम इसको याद कर सकते हो, आपको भी कोई चीज भूल रही है तो मीन आप उसको समझने वाले हो, आप डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क आया या नहीं आया, यदि आया और आपने उसको कैरी किया या नहीं किया उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज क्वेश्चन मार्क के रूप में आती है, यदि आप क्वेश्चन नहीं करते अपने आपको तो आपको नॉलेज कभी भी गेन नहीं होगी, जस्ट आप उसको क्या करेंगे स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना, तो आज करते हैं साइन सी डी फॉर्मूले। वेलकम बैक टू दिस वीडियो, सो आज के जो मेन क्वेश्चन है जो मेन फॉर्मूला वो है साइन सी प्लस डी, ये इसका आंसर क्या आता है, ये ऐसा फॉर्मूला जो मेरे को परेशान करता है, तो आप इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इनकी हेल्प के साथ हमने करना है, तो मेरे को अब जी नहीं आता लेकिन मैं इनको अप्लाई कैसे करूं, तो मैं जस्ट क्या करता हूँ मेरे को साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मालूम है, जहां पर मेरे को साइन सम एंगल है और साइन सम एंगल दोनों को ऐड किया हुआ, तो मेरे पास ये दो साइन है तो मैं इनको जस्ट ऐड कर देता हूँ, तो आपने क्या करना जस्ट एडिंग साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस इनको दोनों को ऐड करके देता हूँ, तो मैं इसको प्रूव करने के लिए क्या करता हूँ जस्ट साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी को मैंने ऐड करना, तो ऐड जब करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये तो गया साइन ए प्लस बी का, अब इसका लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस
cos of a into sin b. यदि आप ध्यान दें तो हमारे पास cos a sin b जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव है सेम है, ये तो कैंसिल हो गया और बचा क्या sin a cos b और sin a cos b, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 sin a cos of b which is nothing but is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b. और बेटा एक बात आपको बताने वाला हूं, ये फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में. आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा, आपके पास इंटरनल रफ में क्या वो मालूम होता है कि 2 sin थीटा * cos थीटा इज व्हाट, तो आप इसको लिखते हैं sin ऑफ 2 थीटा, आप इसको लिखते हैं sin ऑफ 2 थीटा. लेकिन यदि आपके पास आ जाए कि 2 sin ऑफ थीटा * cos ऑफ phi, दोनों एंगल अलग-अलग करते हैं तो वो उसका फार्मूला क्या आता है, उसका फार्मूला यही तो होता है 2 sin a sin cos b का फार्मूला होता है sin ऑफ a + b + sin ऑफ a - b. मीन थीटा और फाई की जगह पर हमारे पास क्या आएगा sin ऑफ थीटा + phi + sin ऑफ थीटा - phi. यदि आप इसको नोट करें ना, थीटा थीटा जहां पर मैंने जहां पर भी थीटा कर दिया, जहां पर भी थीटा कर दूं तो मेरे पास आएगा थीटा + थीटा 2 थीटा, दैट इज द ये वाली टर्म आएगा sin 2 थीटा. जहां पर आपके पास क्या आएगा थीटा - थीटा 0 और sin 0 0 होता तो क्या आएगा 2 sin थीटा cos थीटा is equal to sin theta. तो इसके एक साथ क्या हुआ, हमने find cd करना था लेकिन हमने एक फार्मूला और बना दिया यहां पर 2 sin a cos b का. तो ऐसे ही लोगों का आपस में लिंक होता है तो उस लिंक को पकड़ना होगा. कहते हैं स्टार्ट, अब कोई बात नहीं इसको शेयर करते हैं. अब क्वेश्चन क्या कि मेरा आंसर आता है a + b + a - b का आंसर इतना, मेरे को चाहिए क्या c और d. अब मैं क्या करता हूं सिंपली इन दोनों को इसके साथ रिप्लेस करने वाला हूं, तो मैं क्या करता हूं मैं पुट कर देता हूं यहां पर a + b is equal to c एंड यू मेरे पास a माइनस b है, मैंने उसको पुट कर दिया d. तो अब क्या हुआ मेरे पास जहां पर sin ऑफ c आ जाएगा जहां पर sin ऑफ d, लेकिन जहां पर क्या आएगा यहां पर तो a और b की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना, जहां दो इक्वेशन बनेंगे ना a + b is equal to c और a माइनस b is equal to d, इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b फाइंड कर सकते हैं. जस्ट इन दोनों को ऐड कर दीजिए, b के साथ b कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 2a is equal to c minus d और a की वैल्यू कितनी आएगी c minus d over 2 आ जाएगी हमारे पास. और यदि मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देता हूं, यहां पर b को इसके साथ सबट्रैक्ट कर दूं, मेरे पास a से ही कैंसिल हो, लेकिन वो क्या होगा 2b is equal to, सॉरी यहां पर मैंने इनको ऐड किया हो तो माइनस प्लस का साइन आएगा और यहां पर मैंने माइनस किया है तो हमारे पास क्या आएगा c minus d. तो आपने इसको इसके साथ सबट्रैक्ट कर देना, a से कैंसिल माइनस b, 2b is equal to c minus d और b हमारे पास क्या आएगा c minus d by 2. अब जिस सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है, देखते हैं फाइनल आंसर क्या आता. तो मैंने a + b को पुट किया हुआ है c और जो a minus b को पुट किया हुआ है d और यहां पर 2 आ गया मेरे पास sin और a की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास c + d by 2 और मेरे पास cos into इसकी वैल्यू कितनी आई है c minus d की वैल्यू आ रही मेरे पास c minus d by 2. सो दिस इज द फार्मूला, यस दिस वन द फार्मूला. मेरे को ज्यादा आ गया, अभी ज्यादा आ गया कि इसका फार्मूला जी होता, लेकिन पहले नहीं आता लेकिन अब ज्यादा. आप इसको अपनी बुक के साथ मैच कर सकते हैं तो ये तो आपके पास काफी इजी हो गया. तो अब ये तो मेरे को पास प्लस का फार्मूला था और अब आपके लिए होमवर्क है, आपने ट्राई करना है किसका sin c minus sin d का, cos c minus cos d का और cos c plus cos d का. तो आप ऐसे ही कर लेंगे सेम, पर आपने करना क्या हर एक टाइम में क्या होगा आपके पास जहां पर माइनस आ गया उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, जहां पर माइनस आया था उसके साथ कुछ फर्क क्या होगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला. इधर आपके पास कुछ आएगा क्या होगा कोई टर्म पहले कैंसिल हो गई कोई नहीं कैंसिल होगी तो उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सभी आंसर सभी में मैं आपको एक और हिंट देता हूं, आपके पास ए की वैल्यू हमेशा जी आएगी, बी की वैल्यू आपके पास हमेशा जी आने वाली है, काफी हद तक जी आने वाली है, तो आप इसको काफी इजी तक कर सकते हो. जी आपने क्या किया, सो आज के लिए इतना करते हैं. तो आपके लिए होमवर्क है बेटा, आपके लिए होमवर्क है sin c - sin d का फार्मूला आपने जनरेट करना है विद यूजिंग दिस मेथड. तो आज हमने लगभग काफी फॉर्मूले कर लिए, मैंने टैन के दो किए, कॉट के दो किए, उनके बाद उनका a + b + c का दिया, फिर हमने जो cd फॉर्मूले किए दो कर लिए. तो मेरे पास आज के लिए इतने काफी है. यदि आपको कुछ और फॉर्मूले चाहिए, कुछ और आइडेंटिटी चाहिए, आपको लगता है कि आपको j वाली आइडेंटिटी नहीं आती तो प्लीज आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो हम उसको शेयर कर सकते हैं आपके लिए. तो आप इसको पॉज करके साथ में नोट कर सकते हैं और एंड में आप सभी का धन्यवाद. यदि आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं, यदि आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो आपके फेस पर एक स्माइल होनी चाहिए यार. आप वाकई में कुछ करना चाहते हो लाइफ में, आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं. और बेटा यदि पहली बात मेरे को मालूम है काफी स्टूडेंट है इस वीडियो को एंड तक नहीं देखते, यदि आप देख रहे हो तो आप फर्स्ट वन हो गए मेरे लिए, मेरे को लगता है कि आप फर्स्ट वन है इस वीडियो को देखने वाले. सो आपके अंदर है कुछ सीखने की, आपके अंदर एक फीलिंग है, आपको कुछ बढ़ना चाहते हो लाइफ में, तो ऐसा एक मोटिव होना चाहिए आपके पास. जब भी आप यूट्यूब पर आते हैं तो आप काफी सॉन्ग देखते हैं, मूवीज देखते हो, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो
तो आप वाकई में आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, बिकॉज स्टडी की जो हमारे पास होती है स्टडी की, आप देख लेना वीडियोज होती है वो कम, उनके काफी कम व्यूज होते हैं। तो फाइनली मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि आप इसको यहाँ पर देखें, तो मैं लास्ट में आपकी आपका धन्यवाद थैंक यू करना चाहता हूँ, उसके बाद एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपके एक शेयर के साथ क्या होता है बेटा, मेरे को मालूम है कि काफी स्टूडेंट इसको शेयर नहीं करते और मोस्ट ऑफ दी पर्सन क्या होते हैं इस वीडियो को लाइक भी नहीं करते और कमेंट तो बहुत दूर की बात, कमेंट तो नहीं आते मेरे वीडियो पर, मेरे को मालूम है उसका रीजन क्या है मेरे को नहीं मालूम। आप देख रहे हैं वीडियो को, आपको अच्छी लगी तो आप उसको गुड कमेंट कह सकते हैं, आपको नहीं लगता आप नॉट गुड वन कह सकते, आप कुछ तो कह सकते हो, आप टाइप करते हो व्हाट्सएप करते, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं करते मेरे को नहीं समझ आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको कुछ भी अच्छा लगा हुआ लगा है इसमें तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कुछ बुरा नहीं अच्छा है तो वो तभी आप बताइए, आपको कैसा मटेरियल चाहिए, कौन सी आपकी प्रॉब्लम है उनको आप जस्ट कमेंट करिए, मैं आपके हेल्प करने के लिए यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद फॉर की And once again, don't forget to share and subscribe this channel from this manager. और आपके जो respect आपके जो time आपने मेरे को दिए, जो 20 minutes या 15 minutes आपने मेरे को दिए, उनके लिए मैं आपका सदा ही एहसानमंद रहूँगा। धन्यवाद, thank you very much.